Hello friends, welcome to the desk Deva English Spoken Classes. Please do watch this channel. By watching this channel, you can surely learn English. Thank you. Friends, ये रहा पिछली क्लासेज में दिए गए सेंटेंसेस के आंसर. आप अपने बनाए हुए आंसर से इसको टैली कर लेना, ठीक है फ्रेंड? जो जैसा होता है उसको दोस्त भी वैसे ही मिलते हैं. अगर आपका कोई दोस्त नहीं है तो समझ जाना कि आपके जैसा कोई नहीं है. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लासेस. फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेल ना फ्रेंड्स, सुपरलेटिव डिग्री. पिछली क्लासेस में मैंने आपको कंपैरेटिव डिग्री बताया था और अब पढ़ाऊंगा सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है फ्रेंड? तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम आज की क्लास शुरू करते हैं. Let's start the class of the day. जैसा कि आप जानते हैं कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, देर आर थ्री काइंड्स ऑफ डिग्री, ठीक है फ्रेंड? तो हमने पॉजिटिव सीख लिया है, कंपैरेटिव सीख लिया है और आज बारी है सुपरलेटिव डिग्री की. तो जैसा कि हमने आपको पॉजिटिव में बताया था कि कंपैरिजन होता है, समान बताया जाता है दोनों तरफ, दोनों चीज़ों को, और कंपैरेटिव में किसी भी एक तरफ कम या ज़्यादा बताया जाता है, इस तरह का कंपैरिजन होता है. और सुपरलेटिव डिग्री में किसी भी चीज़ को किसी भी मामले में अव्वल बताया जाता है, चाहे वो सबसे आगे हो या चाहे सबसे पीछे हो. कोई चीज़ गोरी है तो सबसे गोरी, या काली है तो सबसे काली. मींस उसमें सबसे, इतना याद रखना, सबसे वर्ड ज़रूर आएगा, ठीक है फ्रेंड? उसमें सबसे वर्ड ज़रूर आएगा. तो फिर चलिए हम सेंटेंसेस के द्वारा जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं. आइए, सुपरलेटिव डिग्री. मींस एस डी मीन्स सुपरलेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री पी डी, कंपैरेटिव डिग्री सी डी, सुपरलेटिव डिग्री एस डी, ठीक है फ्रेंड? तो जैसे हम बता रहे हैं इसमें कि राजू सबसे लंबा लड़का है, तो राजू इज द, इतना आप याद रखना फ्रेंड कि किसी भी तरह के सुपरलेटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव आता है हम उससे पहले द ज़रूर लगाते हैं. सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव से पहले हम द ज़रूर लगाते हैं, इतना आप याद रखना ज़रूर, ठीक है फ्रेंड? तो इसमें एडजेक्टिव क्या है? राजू इज द टॉलेस्ट. Tallest of all boy, सबसे, इसलिए of all लगाते हैं, ठीक है फ्रेंड? तो राजू इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल बॉय. राजू इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ ऑल, हम ऐसा भी लिख सकते हैं. और बोलने के लिए तो कुछ भी बोलते हैं, राजू इज द टॉलेस्ट बॉय, चलता है? इट विल डू. ओके, अब रीना सीमा, सॉरी, रीना सबसे काली है. रीना सबसे काली है. रीना इज द ब्लैकेस्ट ऑफ ऑल. इसमें हम ऑफ ऑल लगा रहे हैं, लेकिन आप बोलते वक्त ऑफ ऑल नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है फ्रेंड? तो ये आपने इतना याद रखना कि ये एडजेक्टिव आ रहा है ना, एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में जब एडजेक्टिव हम लिखते हैं उससे जस्ट पहले द का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, ठीक है फ्रेंड? तो ये ई एस टी लगाना, आप याद, इतना याद रखना कि सुपरलेटिव डिग्री में
जिस सेंटेंस में भी हिंदी सेंटेंस में सबसे जरूर आए, सबसे आए, तो सबसे का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये सुपरलेटिव डिग्री है और उसमें एडजेक्टिव में ई एस टी जरूर लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम आप ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब हम वैसे सेंटेंसेस को देखते हैं जिसमें हम ई एस टी नहीं लगाते बल्कि मोस्ट लगाकर बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसको आप लिख लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ। आइए, पिछली क्लासेज में मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड्स एडजेक्टिव के जो होते हैं वो बड़े होते हैं, तो बड़े वर्ड्स मतलब लंबे होते हैं थोड़े, तो उसमें हम कंपेरेटिव बनाने के लिए ER नहीं लगाते और सुपरलेटिव बनाने के लिए उसमें हम EST नहीं लगाते, बल्कि कंपेरेटिव बनाने के लिए मोर का इस्तेमाल करते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इतना ज़रूर याद रखना आप। ठीक है फ्रेंड, तो आइए हम सेंटेंस लेते हैं। एक कविता अपने क्लास में सबसे सुंदर लड़की है, कविता अपने क्लास में सबसे सुंदर लड़की है, तो सबसे पहले हम कविता लिखेंगे, कविता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर क्लास। ठीक है फ्रेंड, तो इसी तरह के कोई भी इतने बड़े बड़े जो वर्ड आते हैं ना, उसमें हम ER या EST नहीं लगाते हैं कंपेरेटिव सुपरलेटिव बनाने के लिए, उसमें हम मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो मोस्ट का इस्तेमाल सुपरलेटिव डिग्री में होगा, उसमें हम EST नहीं लगाकर बल्कि मोस्ट लगाकर उसका हम सुपरलेटिव बनाते हैं, और मोर का इस्तेमाल बड़े वर्ड्स के लिए कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए होता है, जिसमें हम ER नहीं लगाकर उस एडजेक्टिव से पहले हम मोर लगाकर उसको कंपेरेटिव बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, इतना याद रखना। पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिजन होता है इक्वली, मींस दोनों तरफ समान बताया जाता है, एक समान। कंपैरेटिव डिग्री में किसी भी तरफ कम या ज़्यादा बताया जाता है, किसी भी मामले में कम या ज़्यादा, जैसे मैं तुमसे लंबा हूँ या मैं तुमसे छोटा हूँ, इस तरह का। और सुपरलेटिव डिग्री में किसी भी मामले में किसी भी चीज़ को सबसे अव्वल बताया जाता है, मींस भले वो सबसे तेज हो या सबसे भोंदू हो, उसमें सबसे ज़रूर आएगा, नंबर वन पर रहेगा किसी भी मामले में। मैं सबसे चालाक हूँ, मैं सबसे बेवकूफ़ हूँ, कुछ भी, सबसे वर्ड ज़रूर आएगा। अब मैं अपने क्लास में सबसे बेवकूफ़ लड़का हूँ, तो आई एम द मोस्ट फुलिश ऑफ ऑल बॉय इन माई क्लास। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह के सेंटेंसेज आते हैं, आप इनको अच्छी तरह से समझ लेना। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कंपेरेटिव पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंसेज हम कैसे बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये था डिग्रियाँ, सेंटेंस बनाने के नियम्स क्या हैं, क्या फॉर्मूला है इसके, ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। और हम बाद में कभी डिग्री चेंज करने के लिए भी बताएंगे, जो स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में काम आता है, बोल चाल में काम में नहीं आता है, मीन्स ज़्यादा ज़रूरी नहीं है वो लैंग्वेज के लिए, एग्ज़ाम में जो काम आता है वो मैं बताऊंगा बाद में कि डिग्री चेंज कैसे करते हैं, वो धीरे धीरे सब होएगा। कुछ फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ये बोलते हैं कि सर यूज़ ऑफ शुड वुड एंड कुड का इस्तेमाल बताइए, मींस ठीक है वो जानना चाहते हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड आप हमारे रोज का वीडियो देखते रहो, हम सारी चीज़ें एक एक करके बताएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए सब एक ही साथ नहीं हो सकता है, मैं स्टेप बाय स्टेप इसके बाद क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा ये सब इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मीन्स सीढ़ी बाय सीढ़ी मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आता जाए, और जहाँ तहाँ से मैं बीच बीच से पढ़ाऊँगा तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं, फिर वो रटना पड़ता है, फिर वो याद करना पड़ता है, याद करने की चीज़ हो जाती है। जब मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ और आप अगर रोज़ का क्लास अटेंड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हमारा बेसिक चल रहा है अभी, तो बेसिक पूरा ख़त्म हो जाने के बाद
फिर हम एडवांस चालू करेंगे। एडवांस में टेंसेज आते हैं, वॉइस आते हैं, नरेशन आते हैं, बहुत कुछ आता है। तो इस तरह से आप हमारे रोज़ का वीडियो देखते रहो। आपका जो भी सवाल है, आपको जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी आप जानना चाहते हैं, धीरे धीरे सब एक एक करके आता जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। जो भी आपके मन में सवाल, जिस तरह के भी आपके मन में सवाल उठेंगे, सेंटेंसेज आएगा, सारा का सारा बताया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और रोज़ का क्लास अटेंड कर रहे हैं, उनको दिल से शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो। नहीं सीखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।